सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन खबर शामिल करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में समर कैंप लगाने के मामले पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का इख्तियार एजुकेशन अथॉरिटी को देने पर गौर। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में समर कैंप लगाने के हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी से स्कूल एजुकेशन से इजाज़त तलब की गई थी। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में समर कैंप लगाने के हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी से स्कूल एजुकेशन से इजाज़त तलब कर ली गई। ज़राए का कहना है कि मुतलिका इजलाह मौसमी हालात को देखते हुए समर कैंप लगाने की इजाज़त देने का फैसला करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 13 जून को स्कूलों को समर कैंप की इजाज़त देने के हवाले से इजलास तलब कर लिया। आयु एजुकेशन अथॉरिटी परवेज़ अख्तर का कहना है कि स्कूल एजुकेशन की जारी करदा हदायात के मुताबिक के रोज स्कूलों को समर कैंप लगाने की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करेंगे। इजाजत देने का हतमी फैसला DRA के इजलास में किया जाएगा। सर्दियों में नजला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। इस्लामाबाद के सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून PP 111 से टिकट होल्डर इसरार अहमद मुन्ने खान की गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात। सीनियर लीगी रहनुमा PP 111 से टिकट होल्डर इसरार अहमद मुन्ने खान ने बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनने पर मुबारकबाद देते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। हल्का PP 111 और फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए तमाम तर मसाइल के बारे में आगाह भी किया गया। खाला अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह क्या बात है। बोनस की पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। 2018 को इंसाफ की फराहमी के लिए कराची प्रेस क्लब पर होने वाले मुजाहरे में सूबाई वजीर तरक्की नसवा शहला रजा SM नकी सिमान पी वालिदैन 2018 सिविल सोसाइटी शरीक जबकि PP रहनुमा शहनीला खानजादा अमार शारिक ने SM नकी के हमराह मिलकर 2018 को इंसाफ फराहमी के लिए जिदोजहद में साथ देने और 2018 को इंसाफ की अपील की है। रिपोर्ट कर रहे थे सोमवार भी रवि है एतवार रिश्ते भी चम 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 लेमन मैक्स सोमवार चम 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 चम। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जिम्मेदार इस मुल्क का कीमती असासा है, इनकी जरूरतों का ख्याल रखना जिले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। DC टोबा जाहिद सोहेल का मौका। DC टोबा जाहिद सोहेल इतवार की छुट्टी के बावजूद जिला भर में किसानों और जिम्मेदारों को यूरिया खाद की हुकूमती नरखों पर फराहमी के लिए कोशा रहे। इस सिलसिले में इन्होंने रजाना रोड शुगर मिल रोड पर कायम यूरिया खाद के सेल पॉइंट का दौरा किया। इस मौके पर AC टोबा मोहतरमा जोहर शाकर साहिबा रेवेन्यू अफसरान AO इंफॉर्मेशन इलियास अक्रम मलक महमूद नासिर और सीनियर सहाफी मकबूल तारिक और मोहम्मद नईम गुजर भी मौजूद थे। DC जाहिद सोहेल खाद सेल पॉइंट पर मौजूद किसानों में घुल मिल गए। इनकी खैर खरीत पूछी और इनसे दरियाफ्त किया कि इन्हें यूरिया खाद हुकूमती नरखों पर मिल रही है, खाद के असूल में कोई परेशानी तो नहीं। हुकूमती इकदामात से आप लोग मुतमईन हैं, जिस पर सब किसानों ने बेगजुमान जिले अफसरान के इकदामात की तारीफ की। DC जाहिद सोहेल ने खाद की आमद और सेल का रिकॉर्ड चेक किया और इस मौका पर मौजूद रेवेन्यू अफसरान और खाद डीलर को हदायत की कि फसल की गिरदावरी और फर्द मलकियत के मुताबिक किसानों को यूरिया खाद फ्राहम की जाए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगु करते हुए DC जाहिद सोहेल ने कहा कि हुकूमत पंजाब किसानों के मसाइल से बाखूबी आगाह है और इनके फौरी और देरपा हल के लिए मुस्बत इकदाम उठा रही है। जिम्मेदार और किसान इस मुल्क का कीमती असासा है। सोमवार भी रवि है एतवार रिश्ते भी चम 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 लेमन मैक्स सोमवार चम 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 चम। अभी आपकी आपके वालदैन के साथ अदालत में मुलाकात भी हुई, उस मुलाकात की कहानी जरा बताएं अपने देखने वालों को। उस मुलाकात में उन्होंने यही कहा कि तुम जज को जाकर कह दो कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो, तो मैंने उनसे कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा हम सुलह नहीं करेंगे,
तुम बस उनको कहो कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। तो मैंने इस बात से इनकार कर दिया और मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने लव मैरिज किया ज़हीर के साथ? जी। ये मोहब्बत है? सच्ची मोहब्बत? जी। कितनी सच्ची है? बहुत ज्यादा। ज़हीर की ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप ज़हीर के साथ ही शादी करेंगी? ज़हीर की सिंसेरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अगर ये दूसरे लड़कों की तरह होता तो जब मैं आई थी तो इससे तो पता नहीं था, तो ये चाहता तो मुझे वापस भिजवा सकता था, तो इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और बिना इसने टाइम वेस्ट किए जो है इसने मेरे साथ निकाह किया और मुझे शुरू से एक्सेप्ट किया और मेरे साथ खड़ा है आज तक। क्या बात है, इस वफा के लिए क्या बात है। अच्छा, कराची से लाहौर एक मूवी बनी थी, पता नहीं हिट हुई थी या नहीं, लेकिन ये वाली मूवी जो है ये सुपर हिट हो गई है, हर कोई इसकी ट्रेलर देख चुका है लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कराची से लाहौर का सफर कैसा रहा? अच्छा भी था और नहीं भी। मतलब क्या, किन मुश्किलात का सामना था और अच्छा कैसे रहा था? सब मैं अकेली थी तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना दूर सफर किया तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने बस ज़हीर के पास जाना है। खतरों की खिलाड़ी हैं आप। तो जब ज़हीर के पास पहुंची तो ज़हीर को आपने पहले बताया था कि मैं आपके पास नहीं, आ रही हूं? इसको तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके इसका फोन नंबर याद था, मेरे पास तो मेरे टैब में सिम वगैरह भी नहीं थी, तो स्टूडेंट बैठी हुई थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करने दें, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करने दी, फिर ये वहाँ पे आया। ठीक है। ज़हीर, जब आपको पता चला कि दुआ ज़हरा कराची से लाहौर मेरे लिए पहुँच गई है और आपकी मोहब्बत, मतलब अपनी मोहब्बत का तो इजहार कर दिया ना लड़की ने कराची से आकर, अब गेम सारी आप पर थी, आपका क्या रिस्पॉन्स था? जब ये आई थी तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कोई कि ये इस तरीके से आ जाएगी। पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। टाउन में बासर अफराद का दो दुकानदारों पर तशद्दुद का मामला, GIG इन्वेस्टिगेशन, कामरान आदिल के हुक्म पर इन्वेस्टिगेशन, नवाब टाउन की कार्रवाई। मोबाइल डेटे की मदद से बेहमियाना तशद्दुद में मुलविस तीनों सफाक मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए, शहरियों पर तशद्दुद हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। GIG इन्वेस्टिगेशन, कामरान आदिल की इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, नवाब टाउन और टीम को शाबाश। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहे। पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। पंजाब के 20 हलकों में शफाफ और गैर जानबदाराना ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन बनाएं, किसी दबाव को खातर में ना लाएं। इलेक्शन और पोलिंग के अमल में रुकावट डालने वाले नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमें सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को चौकस रहना होगा और सब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लेना होगा। पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, हम आपको विहाड़ी से एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। FIA साइबर क्राइम विंग के जेरे हिरासत जेरे तफ्तीश मुलजम शफीक जान की बाजी हार गया। जी बिल्कुल,
मुलजम को गुज़िश्ता 3 रोज कबल विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था। FI हुकाम के मुताबिक जेरे हरासत जांबक मुलजम गवर्नमेंट स्कूल विहाड़ी का हेड मास्टर था। मास्टर शफीक को सरकारी खातून टीचर को हरासा करने और उसकी काबिल एतराज तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया था। जेरे हरासत जांबक शख्स को निश्तर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शफीक को दिल का दौरा पड़ने से जांबक हुए। डिप्टी डायरेक्टर FIA जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर विहाड़ी। जो जिंदगी को फिर से जीना जानते हैं वो सुपर सोचते हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, विहाड़ी की मट्टी ने पाकिस्तान को बहुत से होनियार और वर्ल्ड रिकॉर्ड खिलाड़ी दिए। जी बिल्कुल, आज हम बात करें विहाड़ी के मेहनतकश एथलीट हाफिज मोहम्मद अरशद ने सख्त मेहनत और मुसलसल कोशिश से रूसी एथलीट से थम्स पुशअप का रिकॉर्ड छीन कर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। हाफिज मोहम्मद अरशद ने 1 मिनट में 68 थम पुशअप के मुकाबले में 68 पुशअप लगाकर गेंद बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। इस दौरान मुतद्दिद बार अरशद के अंगूठे जख्मी हुए जबकि हड्डी टूटने के भी इम्कान थे, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और टाइटल पाकिस्तान के नाम किया। हाफिज मोहम्मद अरशद का कहना है कि जब इंसान यकीन के साथ साथ मेहनत करता है तो कामयाबी कदम चूमती है। हाफिज अरशद ने अजम का इजहार किया है कि वो मजीद रिकॉर्ड भी जीतेगा और पूरी दुनिया में सब्ज हलाली परचम को इज्जत दिलाएगा। जी बिल्कुल, सिविल सोसाइटी रुकन मुबशर मजीद मिर्जा और अराकीन ने सदर पाकिस्तान से अपील की है कि उसे आलमी रिकॉर्ड बनाने पर हुकूमत की जानिब से अवार्ड दिया जाए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो सके। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर विहाड़ी। बहुत मेहनत की है इस रिकॉर्ड के लिए, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, बार बार इसके लिए एविडेंस देने पड़े, रिजेक्ट हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और हिम्मत जो है वो नहीं छोड़ी, अपनी लगन जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये करंट रिकॉर्ड होल्डर हूँ और ये रिकॉर्ड इस वक्त पाकिस्तान के पास है और तमाम पाकिस्तानियों के नाम करता हूँ इस रिकॉर्ड को, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद रिकॉर्ड्स के लिए मैं पुर उम्मीद हूँ और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त आलमी रिकॉर्ड होल्डर हूं और मज़ीद रिकॉर्ड के ऊपर जो है मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी मेहनत पर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं मज़ीद रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर सकता हूं, अगर हुकूमत पाकिस्तान इसमें मेरी सरपरस्ती करे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर सकता हूँ। मैं बतौर सिविल सोसाइटी मेम्बर हाफिज़ अरशद साहब को आलमी रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे अपील करता हूं कि हाफिज़ अरशद को उनकी अचीवमेंट पे एक सिविल अवार्ड दिया जाए ताकि उनका हौसला बढ़े और वो पाकिस्तान के नाम मज़ीद रिकॉर्ड भी कर सकें। बैच के साथ अब मिले पीक रिंस केक अप भी। टेक्नोर नूडल्स एंड पीक रिंस केक अप। बोरियत भगाए, गुडनेस बढ़ाए। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम BJP रहनुमा की जानिब से नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ज़ेरई अमीर JUI मौलाना जमशेद इकबाल ने कहा कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत हमें जान से भी अजीज़ है, हम किसी को हुरमत रसूल में गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़िले जनरल सेक्रेटरी
चौधरी मकसूद अहमद ने कहा कि बीजेपी की तर्जमान की जानब से नबी अकरीम के शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हैं और भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गुस्ताखान नपूर शर्मा को सख्त सजा दी जाए। तहसील अमीर मौलाना उमर फरूक ने कहा कि नबी अकरीम की शान में गुस्ताखी पर पूरी उम्मत मुसलमान गम व गुस्सा पाया जाता है। जब तक गुस्ताखे तर्जमान बीजेपी को सजा नहीं दी जाती भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में भारत मुखालिफ नारे लगाए गए और भारत के खिलाफ करारदाद मजम्मत भी पेश की गई। एहतजाजी मुजाहरे की के अख्ताम पर कारी जफरुल अहमद ने मुल्क की सलामती और अमन की दुआ कराई। जी कैमरा मैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर बिहाड़ी। जो हुक्मरान हुकूमत है जो हुक्मरान जमात है इंडिया की उसकी स्पोकन पर्सन ने जो नाजेबा अल्फाज हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तस्वीर बोले हैं उसको पूरी दुनिया मुस्लिम कंडम करती है, उसको तहकीर की निगाह से देखती है और इस चीज़ का मुतालबा करती है कि जिस ने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज जबान अख्तर से उनके खिलाफ निकले हैं उनको करार वाकया सजा दी जाए। तरफ से अपील इस बात की दलील है कि उम्मत मुसलमा के लिए इस तरह के अल्फाज कतन काबिले बर्दाश्त नहीं है और हमारा ये आज का ये इकट्ठ इस बात का मुतालबा करता है हुकूमत पाकिस्तान से कि बहसीयत पाकिस्तानी हुक्मरान होने के बहसीयत मुसलमान होने के इंडिया के जिन्होंने इस तरह की गुस्ताखी का इंतकाम किया है उनसे मुतालबा किया जाए कि उस खातून को करार बाकी सजा मिलनी चाहिए। पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन के मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। लाहौर के जनरल अस्पताल लाहौर में हिंदुस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान लाहौर जनरल अस्पताल लाहौर की तमाम ओपीडी बंद कर दी गई। एहतजाज में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर हसीब, यंग नर्सिंग एसोसिएशन की जानिब से मैडम खालदा तबसुम और डॉक्टर हेल्थ स्पोर्ट स्टाफ की जानिब से सूबाई सदर राना परवेज, नायब सदर हाजी मोहम्मद इरफान गुडू, पूरम बटी, सजाद खान, अमानत अली अमान और हमायों ने शिरकत की। एहतजाज से खिताब करते हुए डॉक्टर हसीब, मैडम खालिदा तबसुम, राना परवेज और हाजी मोहम्मद इरफान गुडू ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान से फिलफौर सफारती और तजारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। रिपोर्ट कर मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए था, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का। पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। वफाकी वजीर ब्राय फूड सिक्योरिटी चौधरी तारिक बशीर चीमा ने नौ मुंतखब और मरकजी जनरल सेक्रेटरी एफका आजम ताहिर खान की खसूसी मुलाकात की। वफाकी वजीर ब्राय फूड सिक्योरिटी चौधरी तारिक बशीर चीमा ने नौ मुंतखब मरकजी जनरल सेक्रेटरी एफका आजम ताहिर खान की खसूसी मुलाकात में वफाकी वजीर ने मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए हासिल सैर गुफ्तगू भी हुई। मुलाजमीन के मसाइल हल करवाने की मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई गयी। इस्लामाबाद ऑफिस में मुलाकात भी हुई। रिपोर्ट कर रहे थे खाला। अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे। वाह क्या बात है। बोनस की महंगाई का चारों तरफ से हमला, बिजली, घी, ऑयल, आटा सब। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। रॉय एजाज अहमद का चियान वाली पावर प्रोजेक्ट और गिरदवारा रोबड़ी साहब का सिक्योरिटी के हवाले से विजिट किया।
दौरान विजिट मुंतजमीन गुरुद्वारा और चाइनीज से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। चाइनीज समेत तमाम फॉरनर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। सीपीओ गुजरांवाला का मौका रिपोर्ट करें। सोमवार भी रवि है एतवार रिश्ते भी चम 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 लेमन मैक्स सोमवार चम 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 से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। सियालकोट गांव सरहाली घरों के पानी की निकासी के लिए खोदा गया नाला लोगों के लिए वबाले जान बन गया। आए दिन कोई ना कोई नाले में गिरने की वजह से जख्मी होने लगा। सियालकोट गांव सरहाली में घरों के पानी की निकासी के लिए खोदा गया नाला आवाम की जान के लिए खतरा बन गया। आए रोज कोई ना कोई मवेशी या गुजरने वाले मुसाफिर नाले में गिरने की वजह से जख्मी होने लगे। नाले की तरफ कोई हफाजती बंद न होने की वजह से ये नाला मौत का कुआं बन गया। आवाम का मुतालबा है कि नाले के इर्द गिर्द एक हफाजती बंद बनाया जाए ताकि गुजरने वाले मुसाफिर और यहाँ पर खेलने वाले बच्चे इसमें गिरने से बच सके। नाला गहरा होने की वजह से जो मवेशी इसमें गिरता है वो बहुत मुश्किल से बाहर निकल सकता है। अगर जल्द से जल्द इसके लिए जरूरी इकदाम ना किए गए तो कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈത്തൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലാസ ഐസ്ക്രീംസ് സിൻസ് 1970. से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। सियालकोट गांव सरहाली घरों के पानी की निकासी के लिए खोदा गया नाला लोगों के लिए वबाले जान बन गया। आए दिन कोई ना कोई नाले में गिरने की वजह से जख्मी होने लगा। सियालकोट गांव सरहाली में घरों के पानी की निकासी के लिए खोदा गया नाला आवाम की जान के लिए खतरा बन गया। आए रोज कोई ना कोई मवेशी या गुजरने वाले मुसाफिर नाले में गिरने की वजह से जख्मी होने लगे। नाले की तरफ कोई हफाजती बंद न होने की वजह से ये नाला मौत का कुआं बन गया। आवाम का मुतालबा है कि नाले के इर्द गिर्द एक हफाजती बंद बनाया जाए ताकि गुजरने वाले मुसाफिर और यहाँ पर खेलने वाले बच्चे इसमें गिरने से बच सके। नाला गहरा होने की वजह से जो मवेशी इसमें गिरता है वो बहुत मुश्किल से बाहर निकल सकता है। अगर जल्द से जल्द इसके लिए जरूरी इकदाम ना किए गए तो कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈത്തൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലാസ ഐസ്ക്രീംസ് സിൻസ് 1970. पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, वर्दी बदली पर पुलिस ना बदली। जी बिल्कुल, विहाड़ी के नवाही इलाका थाना माछीवाल की हदूद अड्डा पक्षी मोड़ में थाना माछीवाल के एसएचओ सदर हुसैन ने थाना सिटी हासलपुर के एसएचओ के हमरा गरीब किसान तालब हुसैन के घर पर दावा बोल दिया। चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए जबरदस्ती घर में घुस गए और गरीब किसान उसके अहले खाना को जबरदस्ती कमरों में बंद कर दिया। गरीब किसान की जवाब बेटी के साथ शदीद बदतमीजी और गालम गलोच किया और संगीन नतज की धमकियां देते रहे। गरीब किसान तालब हुसैन ने अहले खाना के हमरा शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे बेटे शकील जो कि हमसे अलहदा अपने घर में रहता है का हासलपुर में किसी के साथ तनाजा
चल रहा है। उस तनाजे की वजह से SHO थाना माछीवाल सफदर हुसैन ने SHO थाना हासलपुर के हमरा मेरे बेटे के मुखालफिन के साथ मिलकर चादर और चार दीवारी का तकदस पमाल करते हुए ज़बरदस्ती घर में घुस गया। मुझे और मेरे अहले खाना को ज़ोदोकोब करके कमरे में बंद कर दिया और मेरी बेटी के साथ शदीद बदतमीजी और गालम गलोच किया। जाते हुए घर में पड़ी 200 मन मक्की ट्रक नंबरी 9099 LR जो के साथ वो साथ लाए थे मैं ज़बरदस्ती लोड करके ले गए। गरीब किसान तालब हुसैन और उसके अहले खाना ने शदीद एहतजाज करते हुए RPO मुल्तान DPO बिहाड़ी से मुतालबा किया है कि SHO थाना माछीवाल सफदर हुसैन और SHO थाना हासलपुर की इस गुंडागर्दी पर कार्रवाई की जाए और हमारी 200 मन मक्की जो कि पुलिस से ज़बरदस्ती साथ ले गई है उसका अजाला करते हुए हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर पिहाड़ी। अड्डे पक्षी मोड़ तो मेरी रहायश है। मैं अपने चक च अपनी जमीन मकई काश्त की थी उतों उठा चुक के लिया के मैं अड्डे पक्षी मोड़ से सुपाइए शैलर कराइए अचानक सफदर जोईया हासलपुर की पुलिस लैके मुलवस हो के कट्ठे हो के 13 आदमी ट्रक्स नाल लैके आए ने। इन्होंने आण के मेरी मकई लोड करके ज़बरदस्ती सानू धक्के मार के अंदर बंद करके गाला कढ के मकई लैके तो फरार हो गए ने। मैनू इन्होंने अंदर बंद कर दिता है। मैं जो बाहर निकलिया मैं दिल का मरीज सा मैंने तो उत्थे मेरी तबीयत खराब हो गई है मेरे बच्चे मेरे दुआले हो गए ने। ये जनाब सारी मकई लद के अल्लाह बेली वाले। खाला अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह क्या बात है। बोनस की